वो बायोफ्यूल नहीं है, वो ये वाला फ्यूल है, दारू वाला। उसका काम दारू बनाना है। और जो इथेनॉल प्रोडक्ट है, ये भी इथेनॉल है और ये भी इथेनॉल है। इस इथेनॉल से लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, इस इथेनॉल से वाहन चलते हैं। इस इथेनॉल प्लांट में जो परमिशंस ली जानी थी, कुल 16 परमिशन, उसमें एक अहम परमिशन ये है कि आप का पहले से परचेज अग्रीमेंट हो जाना चाहिए इन कंपनियों के साथ। इन कंपनियों के साथ नहीं, इन कंपनियों के साथ कि ये आपका जो इथेनॉल है वो खरीदेगा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। ऐसा कोई अनुबंध नहीं हुआ। फिर किस आधार पर 100 एकड़ जमीन दी गई? क्या पर्यावरण की एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी वहां पे हुई? नहीं हुई। सब कागजों में जनता को अंधेरे में रखकर ये किया गया, किसी को अनुचित फायदा पहुंचाने की मकसद से। और इसीलिए जो प्लांट मेरे पिताजी ने बनाया था, शक्कर कारखाना गोरमदेव में, रामेपुर में गोरमदेव शक्कर कारखाना, उसमें मैं दारू का फैक्ट्री तो बनने बिल्कुल नहीं। कवर्धा जिला में पिछले 22 सालों में जो गन्ना का प्रोडक्शन है इतना बड़ा है कि अब जो दो कारखाने कवर्धा में एक बंडरिया में, दोनों शुगर फैक्ट्री उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। जो गुड़ बनाने की फैक्ट्री है वो भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि यहाँ पे एक नया शक्कर कारखाना खोल दे, वो नहीं खोल रहे हैं, सीधे सीधे दारू बनाने की फैक्ट्री खोल दी। एक ही मॉडल इनको समझ में आया। मेरे पिताजी ने जब शक्कर कारखाना खोला था तो उन्होंने सहकारिता का मॉडल दिया था, जो गन्ना पैदावार किसान है उन सबको शेयर होल्डर बना के उनको उस फैक्ट्री का मालिक बनाया था। वही मॉडल आगे भी चलते आ रहा है, लेकिन भूपेश बघेल का जो ये मॉडल है PPP और पी, ये PPP मॉडल पे चल रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं और बाकी सबको भी पिला रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चल रहा। वैकेंसीज भी निकाली गई, क्या संगति? 115 वैकेंसीज कंपनी के द्वारा निकाली गई। 115 में से 100 वैकेंसी ऐसे लोगों के लिए आरक्षित की गई है जिनका 15 से 20 साल मोलेसिस डिस्टिलरी मतलब दारू भट्टी में अनुभव हो उनके लिए, और जो बाकी 15 हैं वो बस ऐसी ऐसी किसी की ड्राइवर की, किसी के वो सफाई स्वीपर की पोस्ट, उसमें भी 10-10, 12-12 साल का अनुभव मांग लिया। इनकी मंशा साफ है, यहाँ के एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देना। यहाँ कवर्धा का कोई भी लड़का या कोई भी हमारी बहन क्या शराब दुकान फैक्ट्री में 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होल्ड करता है क्या? और आप बायोफ्यूल की फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसमें आप ये जो शराब बनाने वाली फैक्ट्री के अनुभवी लोग हैं उनको क्यों भर रहे हो? साफ साफ है कि यहाँ का जो इथेनॉल है कुम्हारी जाएगा और उससे ये कोई बायोफ्यूल नहीं बनने वाला, उससे केवल दारू और दारू बनाई जाएगी, जो छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। भैया आप शराब की बुराई को ऐसे ही बता सकते थे, सीसी लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? शराब की बुराई का आप ऐसे ही बता सकते थे, शराब की सीसी लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये बताने के लिए कि एक लीटर अगर मैं बायोफ्यूल का उत्पादन कर रहा हूँ तो 100 रुपया, एक लीटर शराब का उत्पादन कर रहा हूँ तो 700 रुपया। तो अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई भी बिजनेसमैन, वो जिसने भी कंपनी ली है समाज सेवी तो है नहीं, समाज सेवा करने तो आया नहीं है, जब उसका पूरा मॉडल ही प्रॉफिट का मॉडल है तो वो क्या बनाएगा? उसका एक्सपीरियंस किस चीज का है? ये बनाने का, ना कि ये बनाने का। उसका अनुबंध किसके साथ हुआ है? इसके साथ हुआ है, ना कि इसके साथ हुआ है। तो इथेनॉल ये जो शब्द है ये लोगों को इससे गुमराह किया जा रहा है। इथेनॉल मींस अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू, और ये दारू की ही फैक्ट्री है। सरकार दारू अभी तक बेच रही थी, रमन सिंह की सरकार ने खुद दारू बेचने का काम चालू किया, भूपेश बघेल सरकार उससे एक कदम और आगे बढ़ गई, अब वो दारू बनाना भी चालू कर दिए। क्या सरकार का यही काम है, दारू बनाओ दारू बेचो? ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर गंभीरता से नहीं लिया गया, ताकि क्या एक्शन लें।
हम लोग तो हर मोर्चे पे लड़ेंगे। जो परमिशंस नहीं है, जब तक वो परमिशंस नहीं मिलती है और जब ये परमिशंस के लिए अप्लाई करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। जो लीगल अप्रोच है, जो अभी तक यहाँ पे रामेपुर के पंचायत वासियों को विश्वास पे नहीं लिया गया है, यहाँ का जो वाटर डिपार्टमेंट है उससे भी क्लियरेंस नहीं ली गई है, हमको ये भी नहीं मालूम कि कितना आप इरिगेशन का पानी इसमें डाइवर्ट करेंगे। जब ये मैंने कुम्हारी में देखा है जहाँ इनका ऑलरेडी प्लान चलता है, 100 एकड़ आसपास जहाँ तक आपकी आग जाएगी सारे के सारे खेत बंजर हो गए, पूरा क्षेत्र बदबू और गंदगी से भरा हुआ है। ये क्या हम कबीर धाम में देखना चाहेंगे? आपको खोलना है फैक्ट्री, खोलिए, पर शुगर फैक्ट्री यहाँ खुलनी चाहिए। हम लोगों ने मांग भी करी थी कि दामापुर क्षेत्र एक बच गया है, वहाँ पे शुगर फैक्ट्री खुली जा सकती है। शराब कंपनी के साथ जो अनुबंध हुआ है बता रहे हैं आप, उसका कोई दस्तावेज हाथ लगे क्या? जी हाँ, दस्तावेज लगे हैं और उसको बहुत जल्द ही मैं रायपुर में सार्वजनिक करूंगा। किस प्रकार से 16 डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी थी, किस प्रकार रातों रात 2 दिन के भीतर कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने सारे नियम शिथिल करके वो परमिशंस दी हैं, पर अभी इतना ही पर्याप्त है, कुछ चीज़ें आगे के लिए भी रखी जाए। ठीक जी, थैंक यू। और हाँ, ये मेरे साथ क्षेत्र की बंडरिया खाना खाइए, जल्दी ले ले, यही मेरे लिए आप छोटे से सर्किट हाउस सीधा जाबे। राजा भाई कहाँ? राजा भाई देखिए, बोला चेहरा पूरा।